टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट स्ट्रिक्ट पार्शियल ऑर्डरिंग रिलेशन. तो हमारे पास पार्शियल ऑर्डरिंग रिलेशन पढ़ा था अब तक. आज हम पढ़ेंगे व्हाट स्ट्रिक्ट पार्शियल ऑर्डरिंग रिलेशन. सो अ रिलेशन आर ऑन अ सेट एस इज कॉल्ड अ स्ट्रिक्ट पार्शियल ऑर्डरिंग रिलेशन ऑन सेट एस इफ इट सेटिस्फाइज द फॉलोइंग कंडीशंस. ठीक है, किसी भी रिलेशन को हम कब बोलेंगे स्ट्रिक्ट पार्शियल ऑर्डरिंग रिलेशन? इफ इट इज असिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव. ठीक है, या तो असिमेट्रिक हो या फिर एंड ट्रांजिटिव हो, नॉट या फिर. असिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव दोनों होने चाहिए. और असिमेट्रिक का क्या मीनिंग है? हमारे पास किसी भी रिलेशन को हम असिमेट्रिक बोलते हैं इफ हम सेट के दो एलिमेंट्स लें और कभी भी ए रिलेटेड टू बी एंड बी रिलेटेड टू ए कैन नॉट होल्ड साइमल्टेनियसली. ठीक है, ये दोनों एक साथ नहीं हो सकते. जब भी ए रिलेटेड टू बी एंड बी रिलेटेड टू ए साथ में ना हो सके साइमल्टेनियसली, तब हम बोलेंगे कि वो रिलेशन क्या है? असिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव. ट्रांजिटिव तो आप लोगों ने पहले भी पढ़ा है कि इफ़ ए इज़ रिलेटेड टू बी एंड बी इज़ रिलेटेड टू सी, तो ए सी से रिलेटेड होना चाहिए फॉर ऑल ए बी सी बिलोंगिंग्स टू एस. ठीक है, तो मैं ज़रा एक असिमेट्रिक और सिमेट्रिक का एग्जांपल दे देती हूँ. जैसे हम लोगों ने लेस देन और इक्वल्स टू पढ़ा था. हमने पढ़ा था इफ़ ए इज़ लेस देन इक्वल्स टू बी एंड बी इज़ लेस देन इक्वल्स टू ए, सो दिस एम्प्लाइज बी इज़ इक्वल्स टू ए. यही होता है, देखो लेस देन इक्वल्स टू में. तो अगर ए लेस देन इक्वल्स टू बी होता है, बी लेस देन इक्वल्स टू ए, तो ए इक्वल्स टू बी, तो इसका क्या मीनिंग होता है? दिस इज़ एंटी सिमेट्रिक. है ना, ये हम लोगों ने इससे पहले पढ़ा हुआ. ठीक है, अब असिमेट्रिक में क्या होगा कि दोनों साथ में रिलेशंस नहीं होल्ड कर पाएंगे. फॉर एग्जांपल कि अगर मैं रिलेशन लूँ लेस देन का, ठीक है, अब इक्वल्स टू नहीं लिया है, सिर्फ लेस देन का रिलेशन लिया है. तो अगर मैंने लिखा कि ए लेस देन बी एंड बी लेस देन ए, क्या ये पॉसिबल है दोनों एक साथ? नहीं पॉसिबल हो सकता ना. अगर ए बी से छोटा है तो यहाँ पे बी ए से छोटा नहीं हो सकता. सो दैट मीन्स या तो ये वाली कंडीशन एग्जिस्ट करेगी या फिर ये वाली एग्जिस्ट करेगी. सो दिस इज़ कॉल्ड असिमेट्रिक. इसी तरह से अगर मैं ग्रेटर देन का भी ले लूँ, अगर मैं बोलूँ ए ग्रेटर देन बी एंड बी ग्रेटर देन ए, सो दिस इज़ नॉट पॉसिबल साइमल्टेनियसली. या तो ए बी से बड़ा हो सकता है या बी ए से बड़ा हो सकता है. एट अ टाइम ए की कंडीशन होल्ड करेगी. सो दिस टाइप ऑफ कंडीशन इज कॉल्ड असिमेट्रिक. ठीक है, तो हमारे पास ऐसा रिलेशन जो कि असिमेट्रिक होगा एंड ट्रांजिटिव होगा, दैट रिलेशन इज कॉल्ड स्ट्रिक्ट पार्शियल ऑर्डरिंग रिलेशन. ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज ड्यूअल पार्शियल ऑर्डरिंग ऑर्डर्ड सेट. नॉट ड्यूअल पार्शियली ऑर्डर्ड सेट. तो अब हमारे पास ये ड्यूअल के पास मतलब क्या चीज़ एक्स्ट्रा आई? पहले हमने लिया कि एस आर कोई भी पार्शियल ऑर्डर्ड सेट है. पार्शियल ऑर्डर्ड सेट क्या था? कि अगर हमारे पास रिलेशन पार्शियल ऑर्डरिंग रिलेशन है तो उस रिलेशन को हम जिस सेट के ऊपर अप्लाई करेंगे दोनों को कलेक्टिवली हम क्या बोलते हैं? पार्शियल ऑर्डर सेट. तो आर इनवर्स. ठीक है, हम यहाँ पे आर इनवर्स को डिफाइन करेंगे. अगर मैंने बोला है कि एस आर इज़ अ पार्शियली ऑर्डर्ड सेट, सो दिस मीन्स आर इज़ अ पार्शियल ऑर्डरिंग रिलेशन है. ठीक है, आर अगर पार्शियल ऑर्डरिंग रिलेशन होगा तो अब आर इनवर्स की क्या डिफाइन होती है? आर इनवर्स की डिफाइन है कि हम बोलेंगे कि ए आर इनवर्स बी, मीन्स ए इज़ इनवर्स रिलेटेड टू बी इफ़ बी रिलेटेड टू ए. मतलब उल्टा वाला रिलेशन आ जाए. अगर हमने आर के प्लेस पे आर इनवर्स लिखना है तो बी रिलेटेड टू ए. अगर बी रिलेटेड टू ए होगा तो हम उसको लिखेंगे ए इनवर्सली रिलेटेड टू बी. ओके, सो ये तो थी आर इनवर्स की डिफाइन. तो हम इसको बोलते हैं इनवर्स ऑफ द रिलेशन आर. अब जो पार्शियल ऑर्डर्ड सेट जो होगा एस विद आर इनवर्स, ठीक है, तो इसको हम बोलेंगे ड्यूअल पार्शियली ऑर्डर्ड सेट. और ये जो रिलेशन होगा जस्ट खाली आर इनवर्स, इसको बोलेंगे ड्यूअल पार्शियली ऑर्डरिंग रिलेशन. ठीक है, ये डिफाइन क्लियर. नाउ नेक्स्ट डिफाइन इज पार्शियली ऑर्डर्ड सबसेट ऑफ अ पार्शियली ऑर्डर्ड सेट. तो हमें सबसे पहले पार्शियली ऑर्डर्ड सेट लेना पड़ेगा. उस सेट का हमने कोई सबसेट लिया पी, सो पी इज सम सबसेट ऑफ एस. देन द रिलेशन आर पी डिफाइन बाय, अब आर पी जैसे हमने आर इनवर्स को डिफाइन किया था, यहाँ पे हम आर पी को डिफाइन करेंगे. तो आर पी क्या है हमारे पास? आर हम कब लिखेंगे? अगर हमारे पास
x रिलेटेड टू y होगा, जहाँ पे x और y कहाँ से आ रहे हैं, दोनों s से आ रहे हैं, तो हम लिखेंगे कि x r p y। और s r p को क्या बोलते हैं, रिस्ट्रिक्शन, रिस्ट्रिक्शन ऑफ r ओवर p, ठीक है, इसको बोलते हैं रिस्ट्रिक्शन ऑफ r ओवर p। नाउ नेक्स्ट डिफाइन इज कि कंपेरेबल एंड नॉन कंपेरेबल एलिमेंट्स क्या होते हैं। तो फर्स्ट थिंग, हमने पो सेट लेना है, मीन्स पार्शली ऑर्डर्ड सेट। सो एस आर हमने कोई पो सेट लिया, तो कोई भी दो डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स, ठीक है, फर्स्ट पॉइंट इज कि वो एलिमेंट्स डिस्टिंक्ट होने चाहिए। किसी भी डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स को हम कंपेरेबल बोलेंगे अगर ए रिलेटेड टू बी हो या फिर बी रिलेटेड टू ए, दोनों में से अगर ए कंडीशन ट्रू हो गई या दोनों भी हो गई, तब भी हम बोलेंगे कि एलिमेंट्स क्या हैं, कंपेरेबल हैं। और अगर दोनों में से कोई भी ना हुई, मीन्स ना तो ए रिलेटेड टू बी आए, ये भी नहीं होना चाहिए, और बी रिलेटेड टू ए भी नहीं होना चाहिए, अगर ये दोनों ना हुए, देन वी से दैट द एलिमेंट्स आर नॉन कंपेरेबल। अब ज़रा एक एग्जांपल देखते हैं इसका। अगर मैंने लिखे एलिमेंट्स क्या, टू एंड सेवन, ठीक है, दो एलिमेंट्स लिखे मैंने, टू एंड सेवन, और रिलेशन कौन सा लिखा, रिलेशन लिखा डिविजिबिलिटी, ठीक है। तो अब मुझे ये बताओ कि क्या टू सेवन को डिवाइड करता है या सेवन टू को डिवाइड करता है, दोनों ही होल्ड नहीं होते, ठीक है, ना तो टू सेवन को डिवाइड करता है ना सेवन टू को डिवाइड करता है। सो दिस एम्प्लाइज कि ये एलिमेंट्स कैसे हैं, नॉन कंपेरेबल, किस रिलेशन के लिए, डिविजिबिलिटी के लिए। बट अगर मैं ले लूँ रिलेशन कौन सा, लेस देन का, अगर मैंने कंसिडर किया रिलेशन लेस देन और एलिमेंट्स ये वाले लिए टू एंड सेवन, तो क्या टू लेस देन सेवन या सेवन लेस देन टू होता है, सेवन लेस देन टू, एक कंडीशन मिल गई, ये तो नहीं होता, बट एक कंडीशन तो मिल गई ना। तो हमने बोला था कि अगर एक कंडीशन भी मिलेगी, देन वी से दैट द एलिमेंट्स आर कंपेरेबल। सो टू एंड सेवन आर कंपेरेबल विद रिस्पेक्ट टू द रिलेशन लेस देन एंड नॉन कंपेरेबल विद रिस्पेक्ट टू द रिलेशन डिविजिबिलिटी। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे।